आदरणीय मंच और आप सभी दोस्तों में अभी इतनी मीठी मीठी बातें कही गई, इतनी अच्छी अच्छी बातें कही गई, महाभारत की बातें कही गई, गुरु द्रोणाचार्य की बात हुई, भीष्म पितामह की बात हुई, लेकिन किसी ने यह ध्यान नहीं दिया कि कमेंटेटर संजय भी यहां मौजूद है। भाई संजय अगर वहां पर नहीं होता तो महाभारत की कहानी का बखान कौन करता? तो संजय यहाँ पर मौजूद है और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी आपसे मुखातिब होकर कुछ न कुछ बात करूँ। देखिए जब हम छोटी छोटी जगहों से आते हैं ना, जैसे मैं इंदौर से आता हूँ या कोई भोपाल से आया या कोई विदिशा से आया, कोई सागर से आया, कोई जबलपुर से आया, तो हमें मन में ये रहता है कि बड़ी जगहों के लोग हमें थोड़ी बहुत नीची नज़रों से देखते हैं, वो समझते हैं कि हम थोड़े बहुत गए गुजरे हैं। लेकिन अगर मन में विश्वास होते कि एक छोटी सी कहानी आपके सामने बताता हूँ, नरेंद्र हिरवानी का नाम आपने सुना होगा, भारत के लिए 16 विकेट पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने ले लिए थे और पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम चमका दिया था। तो पहले टेस्ट मैच खेल रहे थे तो उस दिन मैं कमेंट्री कर रहा था दूरदर्शन पर, तो सुबह जब हम पिच देखने जाते हैं तो वहाँ पर चयनकर्ता मौजूद थे, उन्होंने कहा कि देखिए आपके लड़के को हमने खिला लिया है, ही इज गोइंग टू बी वन मैच वंडर, इसके बाद ये असफल हो जाएगा, दुनिया में इसका नाम कोई नहीं सुनेगा, आप लोगों के बहुत ज़्यादा दबाव में इसे खिला लिया है। मैच शुरू हुआ वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, उस लड़के ने बाद की बात में 16 विकेट ले लिए जिसमें विवियन रिचर्ड्स के विकेट भी दोनों पारियों में शामिल थे। अब मैंने सोचा कि उन चयनकर्ताओं को बुलाकर बात करनी चाहिए कि भाई हिरवानी के बारे में आपका क्या कहना है, तो मैं उन्हें नीचे से पकड़ कर लाया, उनका इंटरव्यू किया दूरदर्शन पर, मैंने उनसे कहा कि हिरवानी के प्रदर्शन के बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन मैंने उन्हें टीम में चुना था उसी दिन मुझे मालूम था कि भारत को कोई लड़का मैच जिता सकता है तो यही लड़का जिता सकता है। ये होता है जब आप सफल होते हैं तो दुनिया आपके राग में राग मिलाकर गाने लगती है। कोशिश इसलिए हमेशा करते रहनी चाहिए कि अपनी बातों का जवाब मुंह से मत दीजिए, अगर आप कलाकार हैं तो अपनी बातों का जवाब अपनी कला से दीजिए, अगर आप खिलाड़ी हैं तो अपने बल्ले को बोलने दीजिए, अगर आप बॉलर हैं तो फिर अपनी गेंदों की फिरकी से उलझाइए लोगों को और फिर बताइए कि आप कितने बड़े हैं। तो ये बात सीखने की है कि आप कितनी भी छोटी जगह के हों लेकिन आप में कला है, आप में आत्मविश्वास है, आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है, आप में सफलता प्राप्त करने की भूख है, तो आप दुनिया में वो कदम पहुंचा सकते हैं, उस जगह कदम पहुंचा सकते हैं जहां कि आप सोच भी नहीं सकते थे। अब विराट कोहली की हम छोटी सी कहानी अगर ध्यान दें तो देखिए कुछ वर्षों पहले कोई जानता भी नहीं था उन्हें, जब वो स्कूल में पढ़ते थे रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे थे, आपने भी शायद वो कहानी पढ़ी होगी कि शुरू में एक मैच खेलने जा रहे थे तो सुबह पता चला कि उनके पिता का देहावसान हो गया, लेकिन उनकी माता ने कहा कि पहले अपना कर्तव्य पूरा करो, उनकी रणजी ट्रॉफी टीम हार रही थी दिल्ली की टीम, पहले दिल्ली की टीम को मजबूत करो, जाओ वहाँ पर मैदान पर अच्छी पारी खेलो, अपनी टीम को बचाओ, उसके बाद फिर पिता की चिता को अग्नि देना। वो लड़का मैदान पर जाता है, अपनी माँ की बात सुनकर किस आग के साथ वो गया होगा मैदान में, उसने वहां जाकर 92 या 93 रन कुछ बनाए, अपनी टीम को पराजय से बचाया और फिर आकर शाम को अपने पिता की चिता को अग्नि दी। देखिए आज हम काफ़ी ईर्ष्या से बातें करते हैं कि इतने बड़े बड़े अनुबंध हैं, फिल्म तारिकाएँ उनके पीछे घूमती हैं, करोड़ों का व्यवसाय है, लेकिन उसके हकदार क्या वो नहीं है? अगर भारत का उद्योगपति इतने पैसे कमा सकता है तो भारत का एक होनहार खिलाड़ी कोहिनूर हीरा इस तरह से क्यों नहीं पैसे कमा सकता है? तो हमें अपने दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाना चाहिए। आज का जमाना बहुत ही भौतिक जमाना हो गया है, लोग ये सोचने लगे कि सेंसेक्स ऊंचा चला गया है तो देश प्रगति कर रहा है, लेकिन देश प्रगति जब करता है जब आप गुणवानों का सम्मान करते हैं, जब आप अपने माता पिताओं का सम्मान करते हैं, जब आप अपनी परंपराओं की रक्षा करते हैं, जब आपकी नज़रों में अपनी बहन बेटियों के प्रति सम्मान रहता है। तो ये हमें देखने की बात है कि चरित्र संस्कार में जो गिरावट हो रही है वो इतनी तेज़ी के साथ हो रही है। देखिए रुपयों का महत्व आज जितना घटा है पिछले 3-4 सालों में कि ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा,
मुझे 50 साल तो कमेंट्री करते करते हो गए, 18 साल की उम्र में कहाँ कमेंट्री शुरुआत की थी, और आज 400 वनडे इंटरनेशनल और करीब 85 टेस्ट मैच, पता नहीं कितने में, अब तो गिनना ही भूल गया मैं। अभी भी यहाँ कमेंट्री के लिए आया था और अरविंद जी ने मुझे कहा कि बच्चों के बीच में जाना है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलिए होनहार बच्चों से मुलाकात होगी। एक बात और कहना चाहता हूँ कि पांडे जैसे लोग, जो पांडे साहब हैं आपके, ऐसे लोग एक धरोहर होते हैं समाज की। आजकल देखिए कोई किसी को पड़ोस में भी झांक कर नहीं देखता है। फर्क इतना आ गया है कि पड़ोस पे, एक ज़माना था जब पड़ोस में कोई बीमार होता था ना, मोहल्ले भर के लोग जाते थे कि भाई क्या हो गया तुम्हें। तो ये भी एक संवेदनाओं को बचाना बहुत बड़ी बात है। एक बार मुझे याद, देखिए आप कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन ध्यान रखना मनुष्य को अगर आगे बढ़ना है तो एक मनुष्य की तरह आगे जब बढ़ता है तभी वो आगे बढ़ा हुआ कहा जाता है। एक बार मुझे याद है दक्षिण अफ्रीका में सुनील गावस्कर और मोहिंदर अमरनाथ और मैं भी वहाँ कमेंट्री करने के लिए गया था, तो शाम को सभी मेरे कमरे में बैठ जाते थे। इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा कमेंटेटर था, बल्कि इसलिए कि मेरे पास इंदौर का सेव चिवड़ा और मिक्सचर रहा करता था, तो शाम को बैठक मेरे ही कमरे में होती थी। तो वहाँ पर सुनील गावस्कर साहब ने एक बात की तो मैं चौंक गया। उन्होंने कहा कि देखो भले ही दुनिया लाख कहे कि मैं क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा ओपनिंग बैट्समैन हूँ, लेकिन कान अब तो सुनते सुनते बहरे से हो गए हैं, सुनने की इच्छा ही नहीं होती। अगर चार आदमी जिस दिन आखिरी दिन उठाने वाले आए और अगर ये कहने लगे कि ये अच्छा आदमी भी था, तो मैं समझता हूँ जीवन सफल होगा। तो इसका मतलब ये है कि जीवन में बड़े आदमी होने से भी बड़ी बात होती है, या धनवान आदमी होने से भी बड़ी बात होती है अच्छा आदमी होना। आप आगे बढ़ रहे हैं, IPS और IAS बनेंगे, आपको शुभकामनाएं, लेकिन ये कभी मत भूलिए कि आपको अच्छा इंसान भी, अगर आप अच्छे इंसान बनेंगे तो देश अच्छा बनेगा। धन्यवाद।